नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, भर भर के आप लोग कमेंट करते हो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो कि एकदम से फ्री में हमें दे रहे हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ही ये सीरीज चालू किया हूँ कि भाई पूरे यूट्यूब में यार लोग इस समय पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। जो एकदम से रियल कंटेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो इस समय, मैं आपको बता दूँ कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकली है। तो भाई रेलवे की या फिर एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो भाई एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, इन सभी को मैं टारगेट में करके चल रहा हूं, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड। तो भाई अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को अहमियत पता चल रही है कि भाई ये सारा चीज तो हमें पेड कोर्स में मिलता है जो कि सर एकदम फ्री में हमारे लिए पीडीएफ बनाकर किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने भी प्यार दिया, ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे कि बच्चों को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस इतना करिए हमारे लिए, क्योंकि भाई अगर आप लोग जुड़ोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं यार और मैं कितना अच्छा आप लोगों के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग प्यार दे रहे हैं तो इस समय देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है भाई एलसीएम एंड हमारा जो एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है उसका आज भाई पार्ट टू है। क्या है आज जो हमारा है? पार्ट टू है। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि पार्ट थ्री ले आएंगे और पार्ट थ्री में हमारा ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी वन शॉट वीडियो दे देंगे, उसमें भी आप लोग देख लेना। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज का ग्यारहवां सवाल। तो देखिए आज का ग्यारहवां सवाल क्या कहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समापवर्त 8249 और महत्तम समापवर्त 1 है। तो दोस्तों आप लोगों को तुरंत याद हो जाना चाहिए, मैंने आपको फार्मूला जो बताया है कि भाई दो संख्याओं, यानी कि उन संख्याओं का कहे या फिर दो संख्याओं का कहे, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, आपको केवल इतना देखना है गुणनफल जब बोल रहा है, यानी कि भाई जब एलसीएम एंड एचसीएफ का जब सवाल आए और गुणनफल बोले दो संख्याओं का और दो संख्याएं दी गई हैं एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिया हो, तो भाई सीधी सी बात है आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि पहली संख्या, यहाँ लिख लीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको इस चैप्टर में ओनली वन फार्मूला बताया था कि भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, भाई दो तीन स्टार दे दीजिए, इसे याद कर लेना। इसी पर मैंने पूर्ण रूप से पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त करने की गारंटी ली है, ठीक है। तो भाई ये फार्मूला अगर आपको याद है तो देखिए यहाँ पूछा है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए जिनका लघुत्तम समापवर्त भाई इतना और महत्तम समापवर्त इतना दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि ए भी कोई संख्या है, इसका गुणनफल भाई एचसीएफ और एलसीएम यानी कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एकदम से मैं भाई देहाती में भी बता देता हूँ, एकदम से जो लोग एकदम से नहीं समझ पाते उस भाषा में बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा देखिए कितना दिया गया, यहां समझिए भाई हमारा ये एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, भाई 8249 का जब हम एक में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8200 भाई हमारा 49 ही आएगा, ठीक है। इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, किसी किस में है ऑप्शन तो आप लोग देख लीजिए, 8249 हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं था, मैंने आपको तरीका पहले ही बता रखा है कि जब गुणनफल कहे अगर कोई संख्या में एक से गुणा किया जाता है तो वही संख्या आ जाएगी, सेम इस प्रकार से आपको टिक कर देना है, देखते ही उत्तर कर देना है, ठीक है। मैंने थोड़ा बेसिक फिर से समझा दिया लेकिन आप लोगों को जो मैं तरीका बता चुका हूँ इस प्रकार से आपको करना है, देखते ही उत्तर कर देना है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को अब कोई अभी देखिए मैं दूसरा उदाहरण लूंगा तो आप लोग खुद में खुद समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले समझिए दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा दूसरे टाइप का देखिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो भाई 198 और 297 का विभाजित कर सकती है। और देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है शिफ्ट टू में, ठीक है। अब यहाँ आपको यहाँ ध्यान देना है, महत्तम मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने को विभाजित कर सकती है। तो भाई सबसे पहले हम बड़ी संख्या उठाएंगे, ठीक है,
पहले देखिए इसको लिख लेते हैं भाई, इसको लिख लेते हैं 198 और इसको 297 को, ठीक है इसको लिख लेते हैं। और सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं कि कौन सी विभाजित करेगी, तो इसमें सबसे बड़ी 99 है हमारी, तो 99 देखिए 9 × 18 हो रहा है और 9 × 18 एक 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 × 27 हो रहा है और 9 × 27 और 2 × 29, तो भाई ये बड़ी संख्या से बन रहा है यानी कि विभाजित हो रही है भाई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने ऑप्शन से भाई चेक कर लिया, ठीक है यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 198 और 297 भाई इसी से गुणा होगा, यानी कि ये 3 में गुणा हो जाएगा, ये 2 में। तो भाई आप लोग देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या यहीं से पकड़ में आ जाता है सवाल, यहीं से महत्तम बोले तो भाई ये सबसे बड़ी संख्या यानी कि महत्तम कित बड़ी से बड़ी संख्या, अगर भाई लघुत्तम बोल देता यानी कि लघुत्तम बोल देता तो छोटी से छोटी, या फिर बोल देता सबसे छोटी संख्या से कौन सी ये दोनों संख्या विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए इसी सवाल को भाई किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आप लोग समझिए मेरी बात को, इसी सवाल को पूछ लेता कि भाई सबसे यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, यहाँ महत्तम के स्थान पर दे देता कि वह बड़ी से बड़ी, यहाँ महत्तम को हटा दीजिए बड़ी लिख लीजिए, महत्तम के स्थान पर बड़ी लिख लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 198 और 297 को विभाजित कर दे, ठीक है। या फिर इसी सवाल को नोट डाउन करिए, इसी सवाल को लिख देता महत्तम के स्थान पर वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिए इस महत्तम के स्थान पर, आप लोग लिख लीजिए यहाँ बोल देता कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, तो जो कि भाई 198 और 197 को विभाजित कर लेते, छोटी संख्या में देखना था जैसे यहाँ 96 छोटा, फिर उसके बाद 97, फिर 98, फिर 99 से चेक करते, इस प्रकार से चेक करना था, ठीक है। यहाँ भाई महत्तम बोला तो सबसे बड़ी ये है, इससे हमने भाई इसको चेक किया, इसको चेक किया, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए मैं आप लोगों के लिए भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पीडीएफ बना रहा हूँ और पूर्ण रूप से एकदम से जितना शॉर्ट हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोग केवल प्रश्न देखो और उत्तर दे दो, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे चुके होंगे, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ गुणनफल आ गया भाई, गुणनफल लासा इतना मासा इतना एक से गुणा करना है तो यही सेम संख्या भाई, उत्तर देखो 97 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए। बच्चे तो यार हमारे जितने भी पढ़ रहे हैं ना हमारे साथी, वो अगर किसी एग्जाम में बैठेंगे ना तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि भाई वो सिलेक्शन अपना पा जाएंगे, पक्का सिलेक्शन पा जाएंगे। अगर जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से जाओगे तो सिलेक्शन मिल जाएगा। रटवा दूंगा, रटवाने का मतलब ये नहीं है भाई कि मैं आपको सवाल रटवा दूंगा, मेथड रट जाएगा, मेथड आप लोग देखते ही उत्तर कर दोगे। इस प्रकार का सवाल आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल देखा भाई, लासा इतना दिया गया, मासा इतना, मासा एक दिया तो भाई गुणा करेंगे उतना ही आएगा आंसर भाई, 1 लगेगा, बस 1-2 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा मैं कहूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार देख लीजिए भाई, आरपीएफ एसआई में पूछा गया दरोगा लेवल का क्वेश्चन भाई, आप लोग देखते हैं उत्तर, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा ये गुणनफल है, सर ने बताया था ए बी का गुणनफल, ये भाई क्या होता है, लासा गुणे मासा यानी कि HCF होता है, तो भाई ये 1 है तो यही संख्या हो जाएगी 83-57, 83-57 किस ऑप्शन में मेरे भाई, 83-57 हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। देख लो दरोगा लेवल का सवाल है, मिला लो, प्रूफ आपको मैं दे रहा हूं भाई, प्रूफ दे रहा हूं, इससे बड़ा सबूत आपको कौन देगा यार, ठीक है, प्रूफ के साथ देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये केवल भाई आरपीएफ में इस प्रकार के सवाल नहीं पूछा जा रहा कि आरपीएफ एसआई में पूछा जा रहा, ये भाई जब आरपीएफ दरोगा लेवल का है, रेलवे का इतना हार्ड एग्जाम होता है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार और लाजवाब है, कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात करिए कि जो भाई 144 और 226 को विभाजित कर ले, तो यहीं से बात पकड़ लेना है कि महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ 74 से बड़ी भाई 75 है, तो 75 से देख लेते हैं, तो 5×20 ये देखिए सम संख्या, ये विषम तो ये कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए इससे बड़ी 74 है तो 4×16 हो जाएगा और 7×2 हमारा 14×15 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो इससे भी नहीं बन पाएगा। अब देखिए दूसरी संख्या देखते हैं, 73 से देखते हैं, 3×12 = 15, 3×18 कभी नहीं बन पाएगा, ये बन जाएगा, 2×4
और 7 × 14 ये बन जाएगा। अब इससे ये भी बन जाएगा 2 × 3 = 6, 7 × 3 = 21 भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऐसे ऑप्शन से पकड़ा करिए भाई। देखिए ऑप्शन से काट लीजिए, देखिए बन जाएगा 144 ये भी हो जाएगा और 216 भी 72 से बन जाएगा। देखिए 2 × 3 = 6 यानी कि 3 बार में ये और 72 × 144 ठीक है, ये दो बार में गुणा करने में आ जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए ऑप्शन से भाई, समझा करिए ऑप्शन से बन जाएगा, देखते हैं उत्तर कर दोगे यार ठीक है, देखते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से पढ़ लेना भाई, बहुत सारे बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, जितने भी नए हमारे भाई बहन हैं मैं कहूँगा अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो फ्री में। तो भाई देखिए मैं आपको देखते हुए कि भाई हमारे भारत देश में इतना बेरोजगारी यार, तो भाई कब तक माता पिता के सहारे बैठे रहोगे। और मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप लोग बोझ बन जाओ, इसीलिए फ्री में चालू किया है। अभी कुछ दिन में रीजनिंग की भी पूरी क्लास करवा दूंगा ठीक है, रीजनिंग का पूरा मैं एकदम फ्री में करवा दूंगा, एकदम एक रुपये भी नहीं लूंगा मेरे भाई ठीक है, रीजनिंग का भी एक रुपये नहीं लूंगा, और पूरा फुल चैप्टर जिस प्रकार से आपको करा रहा हूँ इसी प्रकार करवा दूंगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, रीजनिंग भी पढ़ना है तो कमेंट करिए ठीक है। वह महत्तम, यहाँ महत्तम याद करना, मतलब बड़ी से बड़ी बोल दिया है, वह महत्तम संख्या याद कीजिए जो 144 और 216 को विभाजित कर दे। यही वाला तो अभी करा है यार, रिपीट हो गया क्या कंप्यूटर महोदय के, चलिए डांट लगाते हैं भाई, दोबारा क्वेश्चन रिपीट मत करा करिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी RPSI में पूछा गया है कि भाई देखिए भाई उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनका लघुत्तम समापवर्त भाई 70 और महत्तम समापवर्त 7 दिया गया है। भाई मैंने आपको फार्मूला बताया वही सेम कि A × B बराबर जो होता है LCM एंड HCF होता है। तो देखिए यहाँ से गुणा कर दीजिए भाई इनका दोनों को, 7 × 7 = 49 और एक जीरो तो लगा लीजिए, 490 किसी में आ रहा है क्या, 490 ऑप्शन नंबर बी में है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। देखते उत्तर कर दो ना मेरे भाई, जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो गुणनफल देखना है बस। अच्छा गुणनफल दिया है दो संख्याओं का तो इनका गुणा कर देते हैं, 7 × 7 = 49, अच्छा ये 49 बैठा है, चलो हो गया एक मिनट में भाई। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ भाई अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो मेरे लिए जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, यानी कि घंटी जो होती है ठीक है। देखिए कह रहा कि वह महत्तम संख्या याद कीजिए, महत्तम की बात करें मतलब बड़ी संख्या याद करना है जो 162 और 243 को विभाजित कर दे। तो भाई मैंने आपको बताया सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को देख लेना है तो 84 है, तो 4 × 16 = 4 = 12 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएगा, उसके बाद हासिल आया एक आ जाएगा, 8 × 16 = 24 यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से नहीं बन पाएगा ठीक है। चलिए अब दूसरी संख्या देख लेते हैं, उसके बाद देखिए 83 विषम संख्या, इससे तो बनेगा ही नहीं, 82 से ये भी विषम है इससे तो बनेगा नहीं, यही आँख मूंद कर आंसर हो जाएगा भाई, आँख मूंद कर आंसर हो जाएगा ठीक है। अब देखिए कैसे, अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि 2 × 1 = 2 हो जाएगा, अगर हम किससे गुणा कर दें, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो बन पाएगा क्या, सॉरी ये नहीं हो पाएगा यार, ये नहीं हो पाएगा ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, सॉरी गलत हो गया, बी नंबर बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा ठीक है। विषम संख्या से मतलब नहीं, मतलब 81 इसे बन जाएगा, 81 9 9 81 होता है तो ये भाई कट रहा है तो बन जाएगा। देखिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें 81 में तो ये बन रहा, क्योंकि 2 × 1 = 2 8 × 16 और 1 × 3 यानी कि 3 बार इससे गुणा कर दें, इससे 2 बार कर दें, 8 × 3 = 24 ये बन जाएगा ठीक है, ये बना लेगा। कैसे मैं आपको दिखा दूँ, गलती हो जाती यार इंसान से, मतलब निकल गया सही से मैं देख नहीं पाया, ये वाला बनेगा ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बनेगा आपका ऑप्शन बी। कैसे देखिए भाई 162 और कौन सा दिया गया है 243, इसका जब हम भाई बांटेंगे तो 81 से बनेगा, 81 × 3 का मतलब गुणा करेंगे 3 बार में तो 243 आएगा, और ये 2 बार में भाई 62 आ जाएगा ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है ये देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लासा
और मासा क्रमशः इतना और इतना दिया गया है, उनमें से एक संख्या हमें 84 दी गई, दूसरी संख्या बताइए। भाई मैंने आपको तरीका बता रखा है, उत्तर कर देना मेरे भाई। यहाँ देखिए ये 84 से ये 84 कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया 12। तो यहाँ देखिए मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, यहाँ सी नंबर में लिख लीजिए 14 और डी नंबर में हमें लिख लेना है 12। तो भाई हमारा 12 आंसर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई देखिए ए बी इंटू हमारा क्या होता है, यानी कि ए इंटू बी बराबर होता है लासा गुणे मासा, ठीक है, लासा गुणे मासा होता है, ये होता है फार्मूला। चलिए अब इस प्रकार का कोई सवाल आ जाए कि दो संख्याओं का लासा दे दे और एक संख्या दे दे, तो एक संख्या से भाई एक लासा या फिर मासा जो संख्या से हमें वो कट जाएगी, उसके बाद दूसरी संख्या वही जो लासा या मासा बचेगा वही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, इस प्रकार से इसे भी देखते उत्तर कर दोगे। चलिए इस प्रकार का कोई सवाल आएगा तो आप लोग उत्तर कर देना तुरंत, ठीक है। अब देखिए फिर से आप लोगों को मैं रटा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई देखिए दरोगा लेवल का सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका भाई लघुत्तम समापवर्तक 55 दिया गया है और महत्तम समापवर्तक 6 दिया गया है। तो मैंने बताया कि गुणनफल का ज्ञात करने का मतलब गुणा ज्ञात के लिए, यानी कि गुणा करना है, ठीक है, दोनों का। तो देखिए 6 × 5 = 30, अब देखिए हासिल आए 3 × 6 = 30 = 33, तो भाई 330 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। इस प्रकार से आपको करना है भाई, तुरंत आंसर करना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ऊपर देखना है आपको भाई, मानना उनना कुछ नहीं, ना सूत्र लिखना है, वहाँ आप लोगों को देखना है कि भाई अच्छा दो उन संख्याओं का गुणनफल करना है, तो 6 × 5 = 30 और 6 × 5 = 33 = 33, ये देखिए मात्र 1-2 सेकेंड में आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इस प्रकार से करना है, चाहे दरोगा लेवल का हो या फिर भाई कांस्टेबल लेवल का हो या फिर एनटीपीसी लेवल का हो, किसी भी लेवल का है, आप धुआं धुआं कर दोगे। अब देखिए इसका उत्तर बच्चे तुरंत कर चुके होंगे, मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो उत्तर कर चुके होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया। देखिए पूछा गया कि दो संख्याओं का लासा 171 और मासा 19 है, इनमें से भाई एक संख्या 19 है तो दूसरी बताना है भाई, 1 19 से 1 19 कट जाएगा भाई, एक संख्या कट जाएगी तो बच्चे की दूसरी संख्या यानी कि 171 ही बच जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते हैं तो वो समझ नहीं पाते, आधे अधूरे क्लास देखते हैं, तो भाई देखिए दो संख्याओं का जो हमारा गुणनफल होता है वो भाई लासा और मासा गुणनफल के बराबर होता है, कैसे, देखिए यानी कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, यहाँ लिख लेना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा लासा गुणे मासा हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसे दूसरे रूप में लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, यानी कि ए इंटू बी बराबर हो जाएगा हमारा भाई एलसीएम एंड हमारा गुणे में एचसीएम, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा भाई, किसी भी तरीके से आप लोग शॉर्ट में याद कर लो, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ ऐसे भी कर सकते हो कि एक संख्या यानी कि लासा इतना है मासा इतना, एक संख्या इतनी दी गई है तो दूसरी बतानी है, तो एक संख्या से ये कट जाएगा जो मिल रहा है, सेम हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी, तो 171 ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैंने आपको तरीका बता दिया भाई, दरोगा लेवल के ये सारे सवाल हैं, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो धुआं धुआं कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बताइए जिनका लघुत्तम समापवर्त 8611 है और महत्तम समापवर्त भाई एक है, तो 8611 हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल का है, जब गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, यानी कि 8611 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। इतना आसान तरीके से भाई कोई नहीं बताएगा जितना आसान तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, रट जाएगा मेरे भाई, यकीन मानो आप लोग उत्तर हवा हवा में करके चले आओगे। देखिए दो संख्याओं का लासा इतना और भाई मासा इतना, एक संख्या इतनी है तो दूसरी बतानी, तो दूसरी कौन सी होगी, ये 8 से 8 कट गया, दूसरी हमारी 32 आएगी, 32 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर लगा देना भाई, इतना आसान। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप इतना आसान कैसे पढ़ाते हो, इतना आसान थोड़ी क्वेश्चन आता भाई, आप लोग देख रहे हो मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि दरोगा लेवल का क्वेश्चन है। देखिए अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें आपने केवल आरपीएफ दरोगा क्यों लिखा, भाई आरपीएफ दरोगा थोड़ा बड़ा लेवल का यार, कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है आपको पता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, भाई दो संख्याओं गुणनफल की बात करें
अगर कोई संख्या कलासा इतना दिया गया, मासा भाई अगर एक है, संख्या कोई भी है तो वही संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में भाई जब एक से हम गुणा करेंगे तो वो सेम संख्या आती है। ठीक है, तो जब हम भाई देखिए 9017 में एक से गुणा करेंगे तो हमारा 9017 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन अगला देख लीजिए, जानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए उन संख्याओं का गुणनफल, फिर से गुणनफल पूछ लिया, तो भाई देखिए गुणा कर दीजिए यार बिना पूछे। 9 3 27, एक जीरो लगाए तो एक जीरो लगा लीजिए। 270 किसी में आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। मैंने तरीका आपको बता दिया भाई, आप लोग धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए पेपर में बैठते ही मैं कहूँगा कि भाई अगर 1000 बच्चे बैठे हैं ना तो उन 1000 बच्चों में आप लोग अपनी अलग पहचान दिखा जाओगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होना, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 है और उनका महत्तम समापवर्त 8 दिया गया है, दी गई संख्या भाई 24 है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में पहली संख्या में कितनी दी गई है, यानी कि ए इंटू बी हमारा क्या होता है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सूत्र। पहले बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप सूत्र नहीं लिखते हो, तो देखिए ए इंटू बी हमारा जो होता है, लिखते चलिए मेरे साथ कि देखिए थोड़ा सा हमारा पेन यार गड़बड़ हो गया क्या। चलिए ए इंटू बी जो हमारा होता है एलसीएम गुणे एचसीएम। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ लिख लेना यार, मेरा पेन गड़बड़ हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ हमारा जो दिया गया है ए, यानी कि एक संख्या हमें 24 दी गई है और हमें दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला आप लोग रख लेना, एक संख्या हमें 24 दी गई है, दूसरी यानी कि बी हमें बताना है। इधर देखिए मासा हमारा 48 दिया गया है और हमारा लासा 8 दिया गया है, गुणे में लगा लेना। ठीक है, ये गुणे में है भाई, थोड़ा पेन हमारा कट कट के चल रहा है। तो देखिए 24 दुना के 48 और 8 दुना के 16, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मैंने समझाया थोड़ा सा बेसिक से, बाकी आप लोग ऐसे कर सकते हो कि 24 यानी कि 24 से कन्नम 24, 24 दुना के 48 और 8 दुना के 16, 2 8 16, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सूत्र पता हो बस। ठीक है, मैंने आपको केवल वो केवल एक चैप्टर में एक ही सूत्र बताया, केवल आप लोग एक सूत्र याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और उत्तर कर दिए होंगे बच्चे। ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल, मैंने फिर से दिखा दिया कि भाई यहाँ गुणनफल, तो इसका गुणा कर दीजिए, 9 9 81 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा लीजिए, 810 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ से गुणनफल यानी कि गुणनफल कहा है तो भाई 9 9 81 उसके बाद एक जीरो, जीरो लगा लीजिए, 810 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का भाई एलसीएम 64 है और एचसीएम हमारा 16 है, उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या बताने हैं, यानी कि आप लोग उत्तर कर दिए होंगे। मुझे पता है एक संख्या 64 तो भाई उसका एलसीएम 64 है तो एलसीएम कट जाएगा, एचसीएम सीधा सीधा बच जाएगा, वही हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, तो 16 हमारा भाई आंसर हो जाएगा, 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ लगा लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का देखिए क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है दोस्तों कि उन दो संख्याओं का गुणनफल, फिर से गुणनफल बोल दिया यार। अब यहाँ देखिए अगर हम 10 से गुणा करेंगे 45 में तो भाई ये हमारा 410 ही आएगा, गुणा कर लीजिए, एक से गुणा करिए 400 यानी कि 45 में 45 आएगा, जीरो लगा दीजिए भाई 450 हो जाएगा। ठीक है, तो 450 ऑप्शन नंबर ए में है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने बहुत ही तरीके से आपको बताया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैंने पूर्ण रूप से आपको पार्ट टू समाप्त कर दिया 29 क्वेश्चन कराकर, यानी कि पार्ट टू में मैंने 29 क्वेश्चन लिए जो मतलब आगे की सीरीज थी। पार्ट वन अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पार्ट वन देख लीजिए, पार्ट टू ये है, इसके पहले पार्ट वन आया था, पार्ट वन आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद पार्ट थ्री आएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट थ्री आएगा और पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। पार्ट थ्री में चैप्टर
समाप्त हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर जो हमारा है वो समाप्त हो जाएगा पार्ट थ्री में। अगर आप लोग भाई हमारे साथ पढ़ने में बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो कमेंट करना कि सर कंटिन्यू सीरीज करिए, बिल्कुल फ्री में आप हमें पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। इसके बाद रीजनिंग की डिमांड आएगी तो रीजनिंग भी पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।